गाइस, मैंने आपसे कुछ दिन पहले एक कम्युनिटी पोस्ट में पूछा था कि नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाऊं, वॉच डॉग्स 2 पे या बैटमैन गेम्स पे। तो आप में से ज्यादातर लोगों ने वॉच डॉग्स 2 के लिए वोट किया, लेकिन बैटमैन फैंस चिंता मत करिए, आपके लिए अगले हफ्ते वीडियो बना दूंगा। और आज हम वॉच डॉग्स 2 के बारे में बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड ईस्टर एग्स जानने वाले हैं। इसके लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वॉच डॉग्स 2 एक ओपन वर्ल्ड एक्शन एडवेंचर गेम है जिसे यूबीसॉफ्ट मॉन्ट्रियल ने बनाया है और पब्लिश किया यूबीसॉफ्ट ने। ये गेम 2016 में PS4, Xbox One और PC के लिए आया था। एंड जितने भी GTA फैंस ये वीडियो देख रहे हैं, मैं बता दूं कि वॉच डॉग्स 2 GTA के ओपन वर्ल्ड से बहुत सिमिलर है और ये अक्सर कॉम्पिटिशन से बना रहता है कि GTA 5 ज्यादा अच्छा या वॉच डॉग्स 2। तो आप अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। और ये वीडियो को बनाने में RJBeast गेमर ने मेरी बहुत हेल्प करी है, क्योंकि सारे गेम प्लेस उन्होंने ही रिकॉर्ड करे हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से एक बार उनका चैनल भी चेक करना, क्योंकि वो अल्ट्रा सेटिंग्स पे गेमप्लेस डालते रहते हैं। और अब हम चलते हैं पहले फैक्ट की तरफ। 2014 के E3 में टोनी की ने कहा था कि वॉच डॉग्स गेम की सेल से वो सेटिस्फाइड है और अब वॉच डॉग्स एक लंबी फ्रेंचाइजी में कन्वर्ट होगा। और फिर वॉच डॉग्स 2 पे काम शुरू हुआ, जिसको बनाने के लिए पहले गेम के फीडबैक पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया। और गेम में एक नया प्रोटैगनिस्ट इसीलिए आया है क्योंकि ज्यादातर लोग यही चाहते थे। लोगों को एडन इतना पसंद नहीं आया था क्योंकि उसकी जो स्टोरी थी वो काफी रिपीटेटिव सी थी, वही रिवेंज वाली स्टोरी। इसलिए गेम में एक नए प्रोटैगनिस्ट को इंट्रोड्यूस किया गया और फिर गेम के ड्राइविंग मैकेनिक्स को भी बहुत ज्यादा इंप्रूव किया गया और इसको यूबीसॉफ्ट रिफ्लेक्शंस ने पूरी तरह चेंज कर दिया। वैसे वही यूबीसॉफ्ट रिफ्लेक्शंस है जिसने ड्राइवर गेम बनाई थी और GTA गेम्स में इनका बहुत मजाक उड़ाया गया है। और शायद आपको नहीं पता होगा कि गेम को बनाने के लिए रियल हैकर्स से मदद ली गई थी। जैसे मैंने अपनी पुरानी वॉच डॉग्स की वीडियो में बताया था कि उस गेम को बनाने के लिए उन्होंने केपर स्काई कंपनी की मदद ली थी, उसी तरह इस गेम को बनाने के लिए उन्होंने रियल हैकर्स की मदद ली। और बल्कि हैकर्स से स्क्रिप्ट पढ़वाई जाती थी ताकि वो बता सके कि हैकिंग की टेक्निकल टर्म्स का यूज़ हुआ है या नहीं हुआ, और वो गेम मैकेनिक्स को भी जज करते थे ताकि वो बता सके कि गेम में सही में हैकिंग हो भी रही है या नहीं हो रही। गेम में काफ़ी सारे रियल लाइफ रेफरेंसेज यूज़ किए गए हैं और उनमें से एक है प्रोजेक्ट चनोलॉजी। चर्च ऑफ साइंटोलॉजी एक ग्रुप है लोगों का जिनके अपने रिलीजियस बिलीफ्स हैं, और टॉम क्रूज भी एक साइंटोलॉजिस्ट है। लेकिन उनका एक काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल इंटरव्यू 2008 में इंटरनेट पर डाला गया था और चर्च ऑफ साइंटोलॉजी ने उसे हटवा दिया। फिर एनोनिमस उनके खिलाफ आवाज उठाने लगे और ये कहने लगे कि ये एक टाइप की इंटरनेट सेंसरशिप है और ये नहीं चलेगी। और उसी के लिए प्रोजेक्ट चनोलॉजी मूवमेंट स्टार्ट हुई और कहा जाता है कि ये एनोनिमस की एक बहुत ही बड़ी मूवमेंट थी और उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट भी था। एंड इसी से इंस्पायर्ड होकर वॉच डॉग्स 2 गेम में भी एक मिशन है जिसका नाम है द फॉल्स प्रॉफिट्स। और ये मिशन इस गेम के कंटेंट डायरेक्टर थॉमस जेफ्रॉयड ने ऐड करवाया है। बेसिकली हैकिंग कम्युनिटी में उन्हें 20 साल का एक्सपीरियंस है और उन्होंने बहुत से हैक्टिविस्ट से इन्फॉर्मेशन ली थी, जैसे कि वायलेट ब्लू। ये वाला ईस्टर एग काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि वॉच डॉग्स 2 में आपको ग्रूव स्ट्रीट के रेफरेंसेस भी मिलते हैं। GTA San Andreas का मेन प्रोटैगनिस्ट CJ ग्रूव स्ट्रीट फैमिलीज को बिलोंग करता है और यही ग्रूव स्ट्रीट को वॉच डॉग्स 2 में भी दिखाया गया है। ओकलैंड के एल्महर्स्ट डिस्ट्रिक्ट में एक कल्डिसक स्ट्रीट है जो ग्रूव स्ट्रीट से बहुत ज्यादा सिमिलर है और बल्कि कहा जाता है कि उससे इंस्पायर होकर बनाई गई है। वहाँ एक टू स्टोरी हाउस है जो कि CJ के घर से बहुत मिलता जुलता है। उसके साइड में आपको स्वीट और OG LOC के घर भी मिलेंगे। कभी कभी वहाँ एक मसल कार भी मिलती है और ग्रीन क्लोथ्स में एक बंदा भी होता है। ये भी GTA San Andreas का ही रेफरेंस है क्योंकि ग्रूव स्ट्रीट फैमिलीज के लोग ग्रीन पहनते थे। वॉच डॉग्स 2 के साइड मिशन में आपको वॉच डॉग्स गेम का प्रोटैगनिस्ट एडन पेयर्स भी मिलता है। एडन एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग रिंग जिसे आंटी शू गैंग और ब्रेटवा चला रही हैं, उसे शट डाउन करने के लिए सैन फ्रांसिस्को आया था, लेकिन उसे ब्रेटवा ने पकड़ लिया। मार्कस भी उसी ट्रैफिकिंग रिंग को इन्वेस्टिगेट कर रहा है। वो एडन के फ़ोन को हैक कर लेता है और क्योंकि ये फ़ोन उस गार्ड के पास है जहाँ एडन कैद है, तो वहाँ पहुँच जाता है। मौके का फ़ायदा उठा के एडन उस गार्ड को डिफीट करता है और अपना फ़ोन और बैटन लेके वहाँ से निकल जाता है, जिसके बाद एक मिनीचर ब्लैकआउट हो जाता है ताकि वो आसानी से भाग सके। गेम में एक मूवी प्रोडक्शन हाउस है जिसका नाम है हुक मोशन पिक्चर्स और उनकी मूवी डिसबिलीवर की पोस्टर आपको जगह जगह मिल जाएंगे, लेकिन वो पोस्टर एक्चुअल में असैसिन्स क्रीड का ईस्टर एग है। पोस्टर पे आपको एडिडिटो का सिंबल मिलेगा जो एंटी एब्स्ट्रगो हैकर ग्रुप है। उनका सिंबल एक अपसाइड डाउन ट्रायंगल है जो एक्चुअल में एब्स्ट्रगो लोगों का उल्टा ही है। पोस्टर में जो बंदा है वो ओवन मेयर्स जैसा दिखता है जो असैसिन्स क्रीड लास्ट डिसेंडेंट सीरीज का असैसिन है। ओवन मेयर्स ने न्यूयॉर्क सिटी के हिस्टोरिकल इवेंट्स को रिलीव किया था और यही पोस्टर में भी दिखाया गया है। और असैसिन्स क्रीड लास्ट डिसेंडेंट भी उसी साल रिलीज हुई थी। गेम में आपको यूबीसॉफ्ट के भी कई रेफरेंसेज मिल जाएंगे जिसने खुद गेम को बनाया है, तो मतलब यूबीसॉफ्ट खुद का ही प्रमोशन कर रहा है। पहले तो यूबीसॉफ्ट खुद ही गेम में है और जो गेम में भी गेम ही बनाती है, और करेगी भी क्या। वो मिशन यूबी स्टोलन में एक NPC यूबीसॉफ्ट के कुछ लीक्स के बारे में बात कर रहा है और ये लीक्स असैसिन्स क्रीड यूनिटी, असैसिन्स क्रीड सिंडिकेट और ओसाइरिस के लेकर हैं। असैसिन्स क्रीड और ओसाइरिस एक कैंसल्ड प्रोजेक्ट है जो पहले एक्चुअल में प्रिंस ऑफ पर्शिया होने वाला था। इसी का एक रेफरेंस असैसिन्स क्रीड 4 में भी है और मैंने इस वीडियो में इसे बताया था। फिर यूबीसॉफ्ट ने उसे असैसिन्स क्रीड गेम में बदल दिया और 2017 में आया असैसिन्स क्रीड ओरिजिन्स। तो चलो वापस चले वॉच डॉग्स 2 पे, हम कहां असैसिन्स क्रीड की बात करने लग गए।
और यहाँ यूबीसॉफ्ट की बिल्डिंग में हमें असैसिन्स क्रीड यूनिटी, फार क्राई प्राइमल और रेनबो सिक्स सीज की भी पिक्चर्स मिलेंगी। वहाँ कुछ लोग जस्ट डांस के बारे में बात कर रहे हैं जो कि यूबीसॉफ्ट का ही गेम है। फिर सैन फ्रांसिस्को हैकर स्पेस की पॉन शॉप में यूबीसॉफ्ट आर्केड गेम्स भी मिलते हैं। बैड पब्लिसिटी मिशन के दौरान एक बंदर रेनबो सिक्स सीज खेलते हुआ दिखेगा जो एक्चुअल में यूबीसॉफ्ट का ही एक गेम है। पूरी सिटी में आपको रेड हाउस टेलीकॉम्स के साइंस भी मिलेंगे और रेनबो सिक्स सीज के बैंक मैप में भी आपको रेड हाउस का बिलबोर्ड मिलेगा। फिर ब्रेडवर्क की एक यॉट है जिसका नाम है टचंका और रेनबो सिक्स सीज के रशियन ऑपरेटर का नाम भी टचंका ही है। एंड मैस्को गैम्बिट मिशन में बीडीएस मीनिया के अंदर जो स्टैचूज मिलते हैं वो बाद में सिक्स सीज के विला मैप में भी डाले गए थे। हैकर स्पेस में आपको फार क्राई 3 ब्लड ड्रैगन की एक आर्केड मशीन मिलती है और फार क्राई 3 ब्लड ड्रैगन फार क्राई 3 का ही एक्सपेंशन पैक है। बचपन में हम लोग लूनी टून्स को बहुत इंजॉय करते थे जो वार्नर ब्रॉस की कार्टून कलेक्शन सीरीज है। उसमें एमा वेबस्टर थी, ऑल्सो नोन एज ग्रैनी, और उनकी पेट येलो कैनरी और 20 बर्ड। इसी का एक रेफरेंस वॉच डॉग्स 2 में भी मिल जाएगा। माय आंटी शू की पहली टेप के हिसाब से आंटी शू की नेफ्यू उसे 20 बर्ड ग्रैनी की चाइनीज वर्जन मानती है, तो एक रेफरेंस था एमा वेबस्टर का या आप कहो ग्रैनी का। गेम में आपको स्टार वॉर्स के भी रेफरेंसेस मिलेंगे। मार्कस अक्सर रेन से बात कर रहा होता है और वो स्टार वॉर्स पर भी बहुत सारी बातें करते हैं। शंघाई में मार्कस दैट्स नो मून कोड बोलता है जो स्टार वॉर्स की काफी फेमस कोट है। मिशन बैड मेडिसिन में मार्कस थर्मल एग्जॉस्ट पोर्ट को देखते हुए सोचता है कि क्या एम्परर पैलपटीन उसके बॉटम में है। जॉश रिप्लाई करता है कि उसे रिएक्टर कोर में फेंका गया था। ये क्लियर रेफरेंस है बैटल ऑफ एंडर का इन द मूवी स्टार वॉर्स रिटर्न ऑफ द जेडाई। और गाइस बस यही थे कुछ फैक्ट्स और ईस्टर एग्स वॉच डॉग्स 2 से रिलेटेड। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी और मैंने वॉच डॉग्स पर भी एक वीडियो बना रखी, तो एक बार आप वो भी जरूर चेक करना। और मैं फिर से थैंक यू कहना चाहूंगा आरजे पीच गेमर का, क्योंकि उन्होंने ही सारे गेम प्लेस रिकॉर्ड करके दिए हैं मेरे को। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गाइज़।